हेलो एवरीवन, मैं टीना, आज आपकी होस्ट, और मेरे सामने हैं ज्योति जी, जिनका हमारे देश के विकास में काफ़ी सहयोग रहा है। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। हेलो टीना, मैं सबसे पहले ये है इंडिया की टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, खासतौर से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संदीप चौधरी जी को, जिन्होंने एक देशभक्ति से रिलेटेड मूवी, और न केवल जैसा मैंने ट्रेलर देखा उसमें जो पता चल रहा है कि देश की समस्याएं उठाने के साथ साथ उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, और क्यों आज का यूथ जो जनरली माइग्रेट हो रहा है यहाँ से पढ़ कर के और बाहर जा रहा है, वो यूथ क्यों यहाँ पर वापस आकर के रहे, और न सिर्फ क्यों रहे बल्कि उसकी क्या जिम्मेदारी है हमारे देश के प्रति कि वो इतनी एजुकेशन लेने के बाद, इतना सक्षम होने के बाद, इतना एनर्जेटिक हमारा युवा है और सबसे युवा देश के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, तो उस युवा की यहाँ पर हमारे देश में कितनी ज़रूरत है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा तो ही हमारे देश में हम परिवर्तन की संभावनाओं को जगाए रख पाएंगे। तो ये मैसेज जो है वो एक यूथ को ये मूवी देना चाह रही है कि वो आए, यहाँ की समस्याओं को फेस करे, उनमें कैसे चेंज ला सकता है, उस चेंज को लाने में अपनी भूमिका निभाए, और न केवल ये सब कुछ इस फिल्म में दर्शाया है, समस्याएं मैं यूँ कहूँगी केवल यही नहीं है, बल्कि हमारा यहाँ का कल्चर, हमारा यहाँ का हेरिटेज कितना रिच है, कितना लोगों को अट्रैक्ट करता है। मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि मैं जयपुर की मेयर हूँ, जयपुर से रही हूँ और जयपुर की से मेरा बहुत लगाव है, तो इस मूवी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जयपुर में फिल्माया गया है, जयपुर के मॉन्यूमेंट्स को इसमें दिखाया गया है, उसकी सुंदरता को इसमें दर्शाया गया है। तो मैं तो सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि इस मूवी को ज़रूर देखें, और ऐसी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए अगर हम आगे आएंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह की सकारात्मक मूवी बनाने के लिए और लोग भी प्रेरित होंगे, और निश्चित रूप से बॉलीवुड अगर इस तरह की मूवीज़ को अगर बनाता है तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ सकता है। मेरी ओर से आप सबसे अपील कि ये है इंडिया ज़रूर देखें, और मेरी ओर से ये है इंडिया टीम को एक बार पुनः फिल्म की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू।